नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डी आर एग्रीकल्चर सैनी में। और किसान साथियों, देखिए आज हम बात करेंगे मेहनत की फसल के बारे में। अगर आपकी भी मेहनत की फसल कटने वाली है, कटाई के लिए तैयार है, तो आपको क्या करना है जिससे जो आपकी जो मेहनत की फसल है उसमें आप तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आज का जो विषय होगा वो हमारा यही होगा, हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल कि आप किस तरीके से मेहनत में जो है तेल को बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं आपको देखिए अपने मेहनत की फसल को दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी जो मेहनत की फसल है कितनी बड़ी हो रही है, आप देख सकते हैं। देखिए तो किसान तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारी है मेहनत की फसल है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कटाव के लिए तैयार है। और आप ये भी देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बेहतरीन मेहनत है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी भरा हुआ बढ़िया मेहनत है। तो आपको करना क्या, इससे क्या है कि आप जो मेहनत में तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, अब हम बात करते हैं कि आप किस प्रकार से जो है अपने मेहनत की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी बात करूंगा, पूरा बताऊंगा मैं आपको आप किस प्रकार से मेहनत में जो है तेल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें आपको करना क्या है, जब आपकी फसल कटाई के लिए तैयार हो तो आपको एक हफ्ते पहले सिंचाई करनी है, एक हफ्ते के बाद सिंचाई नहीं करनी। क्यों? देखिए आपको थोड़ी जो आपकी फसल है मेहनत को थोड़ी सी खुश्की देनी है, जिससे क्या होगा जो आपके मेहनत का पत्ता है वो पीला पड़ जाएगा, पक जाएगा, उसमें तेल की मात्रा भरपूर आएगी। क्योंकि देखिए जितना कच्चा मेहनत होगा उतना तेल कम निकलता है। दूसरी चीज़ क्या करना, आपको एक हफ्ते या चार दिन पहले क्या करना है उसके अंदर यूरिया डाल देना है। 4 से 5 किलो बीघे का आप यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं, वो क्या करेगा आपके खेत में थोड़ा पकाने का काम करेगा, जिससे जो कि आपका जो पौधे के पत्ते होंगे उसमें जो है तेल की मात्रा बढ़ेगी। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका जो मेहनत है उसमें अगर किसी टाइप का भुनका है, चूसा कीट है, या फिर वाइट कलर का जो भुनका होता है मेहनत में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है इमीडिएट क्लोरोपेट का स्प्रे करना है, जिससे क्या होगा वो भुनका आपका मर जाएगा। तो देखिए आप उसकी उससे भी आपका जो तेल की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? अगर आपकी मेहनत की फसल में भुनका या और भी कोई चूसा कीट है तो वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होता है उसकी सेल को खाते हैं, जो उसका रस होता है उसको चूसते हैं। जब रस चूसते हैं जाहिर सी बात है आपके जो जो पौधे की जो पत्ते होंगी मेहनत की उसमें जो रस, जब वो रस चूसेगा तो उसमें जो तेल की मात्रा कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, भुनका या जो चूसा कीट है उसका स्प्रे करना है। उसके स्प्रे करने में बताऊँ सबसे बड़े आपको इमीडिएट क्लोरोपेट लेना, आप इमीडिएट क्लोरोपेट का स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में जो है भुनका और सारे चूसा कीट जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी खुश्की देनी है जिससे कि आपका जो पौधे हैं वो थोड़े पके पके से होने लगे, जो मेहनत का प्लांट्स है वो पके पके से हो जाए, पीला पड़े। जितना देखिए जितना ज़्यादा आपका मेहनत जो है पीला होगा उतनी अच्छी जो है आपके मेहनत में तेल की मात्रा बढ़ेगी। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, देखिए आपको सिंचाई जो है काटने 4-5 दिन पहले नहीं करनी, अगर सिंचाई आपको करनी है तो एक हफ्ता पहले करें। अगर एक हफ्ते के बाद आप सिंचाई करते हैं तो फिर एक हफ्ते बाद ही मेहनत काटें, क्योंकि जितनी खुश्की होगी मेहनत में जो तेल की मात्रा है उतनी अच्छी बढ़ेगी। और आप पता चलता है अगर दो दिन पहले ही सिंचाई करते हैं उसका मेहनत काट दें तो देखिए आपके खेत में जो है तेल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सिंचाई एक हफ्ता पहले कर देनी है, 3-4 दिन पहले आपको यूरिया मार देना है 4 से 5 किलो बीघा का, उसके बाद में आपको भुनके के लिए कोई भी चूसा कीड़े जो आपके पौधे का जो प्लांट्स हैं उसके रस चूस रहे हैं उसके लिए आपको इमीडियो क्लोरोपेट का स्प्रे करना है, जिससे जो सफ़ेद वाइट कलर का जो भुनका होता है वो मर जाए, जिससे जो है कि आपके मेहनत में तेल की मात्रा 100% बढ़ेगी।